हम अभी एक अजगर सांप को रेस्क्यू करेंगे, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहेगा और उसके बाद हम इन सांपों के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों इसमें बताऊंगा रसल स्वाइपर और कॉमन सेंट बोआ और इंडियन रॉक पाइथन, इन तीनों के बारे में हम जानकारी देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और दोस्तों आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कि वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, तो आप वीडियो को जरूर देखिए। और काफ़ी मोटा सांप है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आज मैं रेस्क्यू पे नहीं गया था, जो कि मैं थोड़ा काम में उलझा हुआ था। तो आप देख सकते हो ये जो कि भानगढ़ गांव में, तो यहाँ पे काफ़ी मोटा अजगर सांप है जो काफ़ी शक्तिशाली सांप होता है। और अजगर सांप टोटली बिना जहर वाला सांप होता है, बाकी काटता बहुत जोर का है। तो इसे बाहर निकालने के लिए काफ़ी मात्रा में भीड़ हो चुकी है, तो इसे सब गांव वालों ने मिलकर इसे बाहर किया और जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। तो ये घर के अंदर आ चुका था, तो इस सब को यहाँ से बाहर निकाल के सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। तो आप देख सकते हो एक सांप, अजगर सांप को देखने के लिए कितनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है, जहाँ की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है से सुरक्षित रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। तो अजगर सांप आप देख सकते हो काफ़ी बिग साइज का, लगभग इसकी लेंथ 10 फीट के समथिंग, ये 10-12 की लगभग लंबाई है इसकी, और काफ़ी मोटा है। ये सांप काफ़ी जल्दी आक्रामक हो जाता है इसे खतरा महसूस होने पर, तो आप देख ही सकते हो वीडियो में कितना मोटा अजगर सांप है जो कि बिना जहर वाला होता है। और एक छोटी सी बात, इसमें किसी प्रकार का कोई कांटा नहीं होता है। अधिकतर लोगों के मुंह से बहुत बार सुना है कि पूंछ के अंदर कांटा होता है, तो ऐसा कोई कांटा नहीं होता है, ये सब गलत बात है। फिर उसको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जो नए हैं चैनल में सब्सक्राइब करें। जिस तरह पे देख रहे हो रसल वाइपर जो अजगर की तरह ही दिखता है, पर दोस्तों अजगर में और रसल वाइपर में डिफरेंस है, ये बहुत ही जहरीला सांप होता है भारत देश, इसकी पहचान आप देख सकते हो। और ये कॉमन सेंट बोआ बिल्कुल अजगर की तरह दिखाई देती है। दोस्तों अगर इन तीनों सांप को अगर एक साथ रख दे तभी लोगों को पहचान में आती है कि अलग अलग वेराइटी के तीनों सांप हैं। दोस्तों जिस तरह आप इसके मुंह का पहचान देख सकते हैं, इसका मुंह अधिकतर लंबा रहता है इसके बदन से आगे। और दोस्तों अजगर सांप की अगर बात करी जाए तो ये अजगर सांप एक ऐसा सांप है जो आगे से मुंह पतला और बीच में मोटाई, और दोस्तों जिसकी इतनी मोटाई रहती उससे तीन गुना ये अजगर सांप मुँह को चौड़ा कर लेता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करें। ये दोस्तों अजगर सांप हर भारत देश में, हर राज्य में ये अजगर सांप पाया जाता है।